गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव ईडब्ल्यूएस कॉलोनी की बदहाली का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा ने। वहां की गंदगी से लोगों का हाल बेहाल है। स्थानीय किसी भी नेता या जीआईडीसी के किसी भी अधिकारी का ध्यान क्या इस तरफ नहीं जा रहा? लोग जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो गंदगी है, आपको प्रतीत ही नहीं होगा कि हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का नारा देने वाले गुजरात का ये हाल है। और यहाँ की हालत को देख करके लगता है कि यहाँ पर कभी भी गंभीर बीमारियां अपने पैर पसार सकती हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय जनता का आक्रोश देखने को भी मिला। उनका इस मसले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राकेश मिश्रा न्यूज फर्स्ट से, और आज हम आप लोगों को वलसाड जिले के उमरगांव नगर पालिका और यहाँ पे गांधीबाड़ी एरिया में एक ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है जो कि नगर पालिका में नहीं आती है, वो जीआईडीसी में आती है, और यहाँ के लोगों के बीच हम आज अपने कैमरामैन राजकुमार के साथ उपस्थित हुए हैं, जहाँ आप लोगों को हम थोड़ी देर में यहाँ की बदहाली दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं। मोदी सरकार बार बार यही कहती है सफाई अभियान, और मैं देखता हूँ कि सफाई अभियान का यहाँ पे 1% भी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो मैं यहाँ के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और उन लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के तहत आप लोगों ने किसी को बताया है कि ये गंदगी कैसे दूर होगी? आप लोग वोट मारते हो, सबको वोट देते हो, नेता लोग आते हैं, अगले साल ही रमन पाट कर आए, जहाँ किधर बैठे थे हम खुद जाके बोले हैं। तो क्या बोले रमन पाटकर? तो रमन पाटकर बोले मेरा आदमी आएगा यहाँ सफाई करके जाएगा, आज तक दिखाई कोई आदमी भी नहीं इधर आया। फिर मदद हाँ, क्यों मदद हमारा नहीं हो रहा है? इतने गंदगी में पब्लिक जी रहा है, इसका कोई मदद हमको चाहिए। आज ये 2.5 साल से अरे सुनील पारवे के पास हम लोग गए, बेचारा कितना बार दौड़ा हम लोग के साथ, आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उमरगांव में भी हम लोग पेटिशन करके भी कुछ होते भी लेटर दिए, फिर भी इसका अभी तो कुछ तो होएगा। अभी मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा यहाँ की बदहाली को अपने कैमरे में देखिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, घर के आगे में कितना पानी आपको दिखाई दे रहा है, गटर पूरा लीकेज है। आगे बढ़िए, एक मिनट, ये देखिए आप लोग यहाँ की गंदगी। जीआईडीसी के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है, और जीआईडीसी को थोड़ा भी ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आदमी रहते हैं। ये तो ऐसी गंदगी है जहाँ पे जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। ये देखिए लोगों का घर और इसके बीच में नबदान, ये कचरपट्टी देखिए आप लोग। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से ये यहाँ के जो भी लोकल नेता हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम इन लोगों की दुर्दशा को देखते हुए और यहाँ की जो गंदगी है उसको सफाई में मदद करें। ये देखिए हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, क्या बदहाली है इस कॉलोनी का। ये उमरगांव ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है जो कि जीआईडीसी ने कभी डेवलप किया था, इसको उमरगांव जीआईडीसी के अंतर्गत डेवलप हुआ था ये कॉलोनी, और इसकी दुर्दशा आप देखिए कैमरे से, हमारे कैमरा मैन दिखा रहे हैं। किसी को नहीं देना, इसको वोट देना ही नहीं किसी को। इधर भी ये देखिए, ये साइड भी, इधर ये साइड भी, यहाँ पे कैसे गुजर बसर लोग कर रहे हैं ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, और अगल बगल में सब रहने वाले लोग हैं। यहाँ तो इतनी गंदगी है, ये गंदे पानी में डेंगू मच्छर इधर बच्चों को काटेंगे और हॉस्पिटलाइज होंगे ये लोग। कोई भी ध्यान यहाँ के लोगों को नहीं है, जो स्थानीय यहाँ के नेतागण है। ये है दुर्दशा, ये ईडब्ल्यूएस कॉलोनी की, गांधीबाड़ी की। मैं
भाई साहब इसके लिए कौन कोशिश किया था? इधर से कोई गया था विधायक या एमपी के पास? अच्छा तो क्या हुआ वहाँ पे? कुछ आश्वस्त किए थे वो? रमन पाटका जी कभी इधर आए हैं? रमन पाटका जी कभी विजिट किए इधर आए हैं? आए नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए यहाँ पे। दो साल से हम लोग परेशान है इसके पीछे, दो साल से जीआईडीसी में अर्जी दिया है, नगर पालिका में दिया है, फिर इधर एसोसिएशन ऑफिस में भी दिया है जाके, मगर कोई हम लोग का सुनवाई नहीं। दो साल से हम लोग परेशान है इसके पीछे। यहाँ पे जीआईडीसी के प्रमुख से मिले हैं आप लोग? जो जीआईडीसी के प्रमुख है, प्रमुख से भी मिला है ना? अच्छा, क्या बोला उन्होंने? भाई पार्दे से भी मिला, सबसे मिल चुका हम लोग। भाई पार्दे नगर पालिका में है, ये नगर पालिका से बाहर है, ये जीआईडीसी का कॉलोनी है, नगर पालिका का नहीं। जीआईडीसी में भी जाकर थक गया हम लोग साहब, कितना चक्कर मारा होगा जीआईडीसी में, अर्जी भी दिया है उसका हम लोग के पास, वो भी है, जरूरत भी है। अभी आप लोग क्या करेंगे? चुनाव का माहौल है और इसमें अगर वोट मांगने लोग आते हैं तो हम लोग वोट देंगे ही नहीं। अगर जब तक हमारे काम का फाइनल नहीं होगा तब तक बताना चाहूँगा मैं। देखिए इन पब्लिक की जो व्यथा है, लोगों का कहना है कि हम लोग इस बार वोटिंग ही नहीं करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग ही नहीं करेंगे। जब हमारे लिए कोई नहीं है तो हम किसी के लिए नहीं है, ये परिस्थिति है। आप लोग देखिए कुछ करो, तो इस बार का जो चुनाव है, एमपी का चुनाव जो अभी आने वाला है, तो इसमें आप लोग बहिष्कार करने वाले हैं इलेक्शन का? अच्छा तरीका से जब हमारा वोट बनाएगा, रोड नहीं बनाएगा, गटर नहीं निकालेगा, हम काय कोर्ट देने जाएगा? यहाँ यहाँ पे शहर के प्रमुख भी, नगर पालिका से हट के शहर प्रमुख भी होते हैं, यहाँ पे आपके स्थानीय नेता भी होंगे बीजेपी पार्टी के, जो नहीं आया देखने के। मिले हैं आप लोग कभी जाके? मिले हैं, मिल के थक गए हैं हम लोग, पैर थक लगे, कोई नहीं आया देखने के लिए। ये लोग कैसे हैं, कैसे नहीं है, वो लोग क्या पड़ा है, हम लोग इतना दौड़ा है, हम लोग को मच्छर खा जाता है, वो देखो हमारा बच्चा बीमार पड़ा है, हम पीठी बलात की वजह से लेके जाता है, कैसे जाऊँ मैं, मेरे को कहाँ बना के दिया रोड। कुल मिला जुला के ये है कि यहाँ की जनता इस बार इलेक्शन में वोट नहीं डालेगी, इन लोगों ने डिसीजन लिया है। जो यहाँ की बदहाली है, इस बदहाली को देखते हुए यहाँ की जो भी जनता है उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस बार हम वोटिंग नहीं करेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ राकेश मिश्रा जी की रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।